ब्रेक डांस में अच्छा लगता है, आपके फेवरेट वीडियो में नहीं। देख बिना ब्रेक, डाउनलोड टॉक ऐप। मध्य प्रदेश में भी हमने सुना वहां के मुख्यमंत्री भी अब गहलोत जी ने निकाल दिया तो वो कैसे पीछे रहे। उन्होंने भी कहा कि 25 तारीख को हम भी निकालेंगे। अगर किसी भारत की संसद के बनाए हुए कानून का विरोध करना तो पहले संवैधानिक पद छोड़ो तब विरोध करो। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहती हैं CAA छी, ये खेल बना दिया इन प्रतिपक्षी मित्रों ने। आज हम भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। वो शरणार्थियों के लिए भगवान बन के आए हैं, जिनकी जान सुरक्षित नहीं, संपत्तियां सुरक्षित नहीं, या अनिश्चितता के वातावरण में रह रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम जान दे देंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उनको नया जीवन प्रदान किया है और इस ढंग से जो विरोध कर रहे हैं भ्रम फैला के, हम उनको चेताना चाहते हैं कि ये आग से मत खेलो, ये देश हम सबका है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जितने भी भ्रम पैदा किए गए इस कानून को लेके, उनको समाप्त करने के लिए, भ्रम दूर करने के लिए, सच्चाई जनता तक पहुंचाने के लिए है भी, लेकिन और भी हमारे मुस्लिम भाई बहनों को भ्रम फैलाया जा रहा है उनके बीच में, निकाल देंगे पता नहीं कहां ले जाएंगे। अरे ये कानून नागरिकता देने का कानून है, लेने का है ही नहीं। किसी भी धर्म और पंथ के भाई और बहनों जो भारत की सरजमी में, इस माटी में पैदा हुए हैं, वो हमारे अपने हैं, ये देश उनका भी है। इसलिए ऐसा कोई प्रावधान इसमें है ही नहीं। और इस भ्रम को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक जन जागरण अभियान चला रही है। हम सभी जिलों में रैलियां करेंगे, पंचायतों में कार्यक्रम करेंगे, बुद्धिजीवी सम्मेलन करेंगे, घर घर संपर्क करेंगे और विपक्ष के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। जनता सच्चाई जानती है, लेकिन और सच्चाई बताने के लिए और भ्रम दूर करने के लिए हम जनता के बीच जाएंगे।